गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हैं आप सब? दिस इज भावना. गाइस आज मैं करने वाली हूँ एक चैलेंजिंग वीडियो. लोगों ने ही मुझसे रिक्वेस्ट करी थी जो कि मुझे कंप्लीट करनी थी. तो गाइस मंडे टू सैटरडे मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है एंड अभी हो रहे हैं सुबह के 7:30. आज मैं करने वाली हूँ एक अगेन एक चैलेंजिंग वीडियो जो कि है आई ओनली एट अल्फाबेटिकल ऑर्डर फूड फॉर 24 आवर्स. सो गाइस इट मीन्स कि मैं आज कुछ भी अगर मैं खाती हूँ तो वो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही खाऊंगी ए टू जेड, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एक्स वाई जेड. ओह माय गॉड मुझे याद है. सो या अब हम अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं गाइस. एंड आप देख सकते हैं मैंने अपनी प्रिपरेशन पहले ही कर ली है. ए टू जेड मैंने लिख लिया है कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है एंड मुझे कैसे खाना है, जिससे कि ये ना हो गाइस कि मुझे अभी यहाँ भागना है देन यहाँ भागना है कि अब मुझे सोचना है कि अब मैं क्या खाऊँ. तो मैंने ये पहले से ही लिख रखा है. एंड गाइस आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैं ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर वाला चैलेंज करूँ. तो गाइस मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया एंड देखते हैं कि मेरा ये चैलेंज कैसे जाता है. तो गाइस चैलेंज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो कि बिल्कुल फ्री है गाइस. उसमें आपका कोई पैसा नहीं जाता है. वीडियो अगर अच्छी लगती है आज की वीडियो तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक एंड आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं. सो गाइस अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले यूट्यूब एंड मैं फ्रेश हुई हूँ. तो मैं अपने एम्प्टी स्टमक गाइस पीती हूँ एप्पल साइडर विनेगर. आजकल पहले मैं ग्रीन टी पीती थी, आजकल भी मैं ग्रीन टी पीती हूँ बट ग्रीन टी मैं आजकल रात के अपने डिनर के बाद लेती हूँ. तो सुबह आजकल मैं बहुत टाइम से या मुझे 20 से ऊपर डेज हो गए हैं मुझे वाओ का या एप्पल साइडर विनेगर ले रही हूँ गाइस. एंड मैं इस पर आपके लिए बहुत ही जल्दी वीडियो लेके आने वाली हूँ जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी गाइस. बिकॉज ये है मेरा, पहले मैं आपको दिखा दूँ, ए से मैं पीने वाली हूँ एप्पल साइडर विनेगर. एंड गाइस मैं इसको डेली मॉर्निंग में पीती हूँ तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया था कि ए से मुझे बहुत इजीली मिल गया था. वैसे ए से बहुत सारी चीज़ें हैं बट मुझे एप्पल साइडर विनेगर लेना था. सो गाइस मैंने यहाँ पे ले लिया है वार्म वाटर, ये गुनगुना पानी है. देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये वाओ का एप्पल साइडर विनेगर. सो ये आता है ए से, ए से है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एप्पल साइडर विनेगर तो मैं इसको लेने वाली हूँ. एंड नॉर्मली भी मैं इसी को ही लेती हूँ अपने एम्प्टी स्टमक. सो यहाँ पे मैं इसको लूँगी 1 टेबल स्पून. देन मैं इसको मिक्स कर लूँगी. सो गाइस ये है मेरा एप्पल साइडर विनेगर एंड मेरी मॉर्निंग ड्रिंक. इसका जो टेस्ट होता है ना गाइस वो बहुत ही वियर्ड होता है, मतलब आई डोंट लाइक, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, किसी को भी पसंद नहीं आएगा गाइस बिकॉज इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है. मतलब ये फेसेस बना बना के पीने पड़ते हैं बट गाइस हमारे वेट लूज के लिए, हमारी स्किन के लिए, बहुत चीज़ों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है तभी मैं इसको लेती हूँ. तो मैं इसको पूरा पीऊंगी. सो गाइस बी से मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे ब्रिटानिया का बर्बन बिस्किट. एंड गाइस मुझे मॉर्निंग के टाइम पे इतना ज़्यादा यू नो स्वीट्स नहीं पसंद है बट मुझे खाना पड़ेगा. वैसे बर्बन बिस्किट मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं बी से इसे खाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं खाऊंगी तो मेरा पेट फुल हो जाएगा. जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितना मेरा पेट है, मैं उसके उससे खाऊंगी. गाइस सुबह सुबह ना मॉर्निंग के टाइम पे इतना ज़्यादा स्वीट्स अच्छा नहीं लगता एंड खाना भी नहीं चाहिए एंड मुझे पसंद भी नहीं है. मुझे नॉर्मली भी इतना पसंद नहीं है स्वीट्स एंड मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी नहीं, बट आजकल मुझे स्वीट की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स आने लग गई है. मैं स्पाइसी खाती हूँ तो मुझे स्वीट्स खाने का मन करता है, स्वीट्स खाने के बाद मुझे स्पाइसी खाने का मन करता है. तो बस मेरा दिन भर यही चलता रहता है कंटिन्यूसली. खा लिया. इसे हम खाने वाले हैं कैश्यू नट मींस काजू. सी काजू मुझे पसंद है बट मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ तो मैं 3 to 4 खाऊंगी बस. देन डी से मैं यहाँ पे लूंगी डार्क फैंटेसी चॉको फिल्स. सी डार्क फैंटेसी बिस्किट है ये, इसका एक ही लूंगी. डार्क फैंटेसी मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है
संडे एंड संडे को मुझे बहुत सारे अपने काम निपटाना है, वीडियो एडिटिंग करनी है, तो मुझे एक और वीडियो शूट करनी है। मुझे एडिट करने का भी टाइम नहीं हो रहा, तो आज मैं संडे को ये वीडियो शूट कर रही हूँ। आई डोंट नो कि ये लाइव कब आएगी। सो या देन ई से मैं यहाँ पे लूँगी एक्लेयर। सी एक्लेयर टॉफी तो सबने खाई होगी, तो मैं स्टेप बाय स्टेप अल्फाबेटिकली ऑर्डर ही खा रही हूँ सब। सो ये है मेरी एक्लेयर, देन अगेन ये स्वीट है। से मैं यहाँ पे लूंगी फ्रूटी, गाइस मेरे रूम में लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं यहाँ पे दूसरे रूम में आई हूँ। तो हमने कहाँ तक कर लिया था? ए बी सी डी ई एफ, हमने फ्रूटी पी ली थी। तो एफ, अब बारी आती है जी की, तो जी से मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे जैम्स। सी एंड जैम्स बचपन में हम बहुत ज्यादा खाते थे, अनाया बहुत खाती है जैम, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। 1, 2 to 3 खा रही हैं। तो गाइस आइस से मैं खाने वाली हूँ आइस क्यूब। सी मैंने यहाँ पे एक बाउल में ले ली है। नो 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 अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया है, एंड मेरा जो मुंह का टेस्ट है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगी, लंच नहीं बट कुछ हल्का सा वैसा खाऊंगी जो थोड़ा स्पाइसी हो, थोड़ा सॉल्टेड हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। सो गाइस आई के बाद आता है जे, एंड जे से हम क्या खाने वाले हैं? जे से हम खाएंगे जैम। सी एंड जैम मैं बचपन में बहुत ज्यादा खाती थी बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। एंड हमने खा लिया है जैम, बहुत मीठा मीठा हो गया गाइस, बहुत ज़्यादा। तो मैंने जैम खा लिया है गाइस, एंड अभी बज रहे हैं 12, 12 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, 12:10 या 12:09 समथिंग हो रहा है। एंड गाइस मैंने अपना काम निपटा लिया है, मैंने अनाया को नहला दिया है, उसकी मुझे मालिश करनी थी, मैंने नहला दिया, घर का थोड़ा काम कर लिया है। देन गाइस मुझे उसके बाद नहाना है, उसके बाद मैं अपने लिए लंच बनाऊंगी, एंड मुझे थोड़ी भूख लग रही थी तो मैंने सोचा मैं अपने एक दो अल्फाबेटिकल यू नो ऑर्डर थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ। और गाइस नेक्स्ट आता है के, मैं खाने वाली हूँ के से। क्या के से? क्या होता है के से? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट गाइस क्या होता है ना, जब हम चैलेंज कर रहे होते हैं एंड जब हमें वो चीज़ करनी होती है तो उस टाइम हमारे माइंड में ही नहीं आता है। वैसे नॉर्मली हमारे माइंड में इतने सारे रहते हैं कि हाँ यार इससे ये होता है, जेड से ये होता है, एक्स से ये होता है, बट बहुत सारे अल्फाबेटिकल ऐसे थे जिन्होंने मेरा मतलब मेरा माइंड हिला के रख दिया था, जो मिल ही नहीं रहे थे बहुत ही मुश्किल से। अभी भी एक दो नहीं मिला है, तो वो भी मेरे हस्बैंड जा रहे हैं मार्केट तो वो लेके आएंगे मेरे लिए वहाँ से ढूंढ ढांट के यू नो देख कर। तो अभी मैं खाने वाली हूँ गाइस के से कुरकुरे, जो कि मुझे अच्छे लगते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये स्पाइसी है। मैं खाऊंगी कुरकुरे। आई लव दिस वन, मुझे स्पाइसी बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ कभी कभी अच्छा लगता है, बट ये कहना है सुबह से तुम मीठा खाए जा रहे हो ना, चैलेंज के चक्कर में ना बराबर तो हमारी हालत खराब जाती है। सुबह से अब जाके मेरे मैं कुछ अच्छा खा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। नेक्स्ट एल से हम खाने वाले हैं लेज। सी आप देख सकते हैं LAYS लेज। हमने एल तक अपने अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं,
एंड अभी तक यू नो अच्छा जा रहा है मेरा चैलेंज। तो गाइज अभी मैं अब नहाने वाली हूँ एंड मैं पहले अनाया को सुलाऊंगी, देन उसके बाद मैं नहा के अपना लंच लंच में देखते हैं हम क्या क्या खाते हैं या क्या क्या खा सकते हैं हम। एंड मैं एम से स्टार्ट करूँगी अपना लंच। तो गाइज एम से तो काफ़ी कुछ होता है, वैसे देखूंगी जो मुझे पसंद होगा या जिससे मेरा पेट भरेगा मैं वही चीज़ खा सकती हूँ, अदरवाइज यू नो सुबह से भी अच्छे से पेट भरा नहीं है, सुबह से कुछ ऐसा स्पाइसी या कुछ ऐसा अच्छा खाया नहीं है मैंने चैलेंज के चक्कर में, बस नॉर्मली ऐसा चटर पटर इधर उधर का ही खाया। तो कुछ अच्छा खाऊंगी अभी नहाने के बाद, देन देखते हैं उसके बाद एम से क्या होता है या एम के बाद हम क्या क्या खाते हैं। सो गाइज मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ एंड मैं पहले नहाती हूँ देन मैं तब आपसे मिलती हूँ। हे गाइज, तो मैं नहा के आ गई हूँ एंड बस मैंने जस्ट अभी नहाया एंड मैंने चेंज किया। अभी बज रहे हैं 2 एंड मुझे बहुत ही तेज़ की भूख लग रही है बिकॉज सुबह से मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया है जिससे कि यू नो पेट फुल हो सके मेरा, बस सुबह से मीठा ही मीठा खा रही हूँ बस। एंड कुरकुरा एंड लेस खाया था गाइस, उससे कुछ नहीं हुआ, वो मैंने पूरा नहीं खाया वैसे भी। देन अब बारी आती है हमारे एम भाई साहब की। तो गाइस हम एम से क्या खाएंगे, तो एम से तो काफ़ी कुछ था, एम से मैंगो भी था बट मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है तो मैंगो तो मैं कल खाऊंगी। तो गाइस अभी मैं क्या खाने वाली हूँ, अभी मैं खाने वाली हूँ मैगी। मैं खाने वाली हूँ ये मैगी जो कि है 2 मिनट्स में हमारे रेडी हो जाएगी, जो कि होती नहीं है, 2 मिनट्स में नहीं बनती है मैगी। तो गाइस ये है मैगी एंड मैगी से मेरा पेट फुल हो जाएगा थोड़ा, देन उसके बाद NOPQ ये सब खाएंगे या अभी मैं MNOP तक खाऊंगी, देन क्यू से मैं थोड़ा क्यू मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाया है तो वो अभी थोड़ी देर में मार्केट जाएंगे, आगे गए थे बट आगे मिला नहीं तो अब वो जाएंगे यू नो मेन मार्केट, तो वहाँ पे देखते हैं कि क्यू जेड ये सब ना बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं, मतलब इनमें इतना एटीट्यूड है कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं यार। मतलब मैंने नेट में गूगल में सर्च किया है तो कुछ मिला है, देन उसके बाद देखते हैं कि वो मिलता है या नहीं, वरना उसके बिहाफ में या कुछ उसी से रिलेटेड खाना पड़ेगा। देन गाइज अभी मैं करने वाली हूँ ये अपने लिए मैगी बनाती हूँ, देन मैं इसको खाऊंगी। सो गाइज हमारी मैगी बन गई है सी, देन अब हम इसको खाएंगे बिकॉज मुझे बहुत ही तेज़ वाली भूख लग रही है, सो अब मैं इसको खाऊंगी। सो ये बहुत ज़्यादा गर्म है गाइज, अभी बस नॉर्मली इसका जो मसाला आता है एंड नॉर्मल वाटर डाल के मैंने इसको किया है तो ये बहुत ही यू नो अभी तो बहुत ही टेस्टी लग रही है मुझे। तो गाइस मैगी मैंने खा ली है एंड काफ़ी अच्छा फील हो रहा है अभी बिकॉज बहुत यू नो थोड़ी सी स्पाइसी थी एंड सुबह से मैं सब मीठा मीठा ही हो रहा था तो अभी मुझे वो बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड मेरा पेट भी थोड़ा सा मेरा टमी थोड़ा फुल हो गया है। तो गाइस नेक्स्ट आता है एन एंड एन से हम खाने वाले हैं नटखट जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, तो इतना टेस्टी लगता है मेरे को, मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं 3-4 पैकेट डेली खाती थी इसको, बहुत टेस्टी लगता था मेरे को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कभी ये खाया है या नहीं, और खाया तो आपको कितना पसंद है और कितना नहीं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसको पूरा खाऊँगा। सो गाइस नेक्स्ट आता है हमारा ओ एंड ओ से मैं खाने वाली हूँ ओएस। वैसे मैं ओरियो खाने वाली थी पहले बट सब कुछ मीठा और मीठा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं है, तो गाइस मैं यहाँ पे खाऊंगी ये ओएस एंड ये पुदीना फ्लेवर का है। स्कूल टाइम पे बहुत ज़्यादा ओएस खाती थी मैं, बहुत ज़्यादा, हम सब ने खाया होगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स भी आते थे तो मुझे ये पुदीना एंड कॉकटेल बहुत ज़्यादा पसंद थे। खट्टा मीठा आई डोंट लाइक इट बिकॉज टेस्ट ना
बहुत अजीब सा लगता था मेरे को, बट पुदीना एंड कॉकटेल इज माई फेवरेट वन। मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने नटखट भी पूरा कंप्लीट किया अपना, पूरा खा लिया, मैगी भी मैंने फिनिश कर लिया, मेरा पेट फुल हो चुका। हमारा पी एंड पी से मैं खाने वाली हूँ हमारी ये पल्स। सी मैं खाऊंगी पल्स बिकॉज पेट मेरा फुल हो चुका है। तो ये है हमारी पल्स। सो गाइज मैं तो इसको इन्जॉय कर करके खाऊंगी एंड मेरा पेट भी फुल हो चुका है एंड अभी टाइम भी 2:30 तक हो गया है। तो गाइज अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं 5 से 6 के बीच में इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे कुछ खाऊंगी एंड मैं देन क्यू से स्टार्ट करूंगी क्योंकि पी तक मैंने अभी कंप्लीट कर लिया है एंड चैलेंज मेरा बहुत ही अच्छे से जा रहा है। या सो गाइज बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है आज तो मेरी, मतलब संडे मेरा बहुत अच्छे से फंडे बन गया है। सो गाइस अभी बज रहे हैं 7:30, तो डिनर टाइम बस हो ही रहा है एंड मैं अपने लिए अभी क्या बनाने वाली हूँ। गाइस मैंने पी तक आई थिंक कंप्लीट कर लिया था, आई थिंक नहीं, आई श्योर कि मैंने कंप्लीट कर लिया था। पल्स पे मैंने यू नो अपनी वीडियो को थोड़ा सा विराम दिया था, देन गाइस मैंने आप लोगों से बोला था कि क्यू के बाद हम फिर से स्टार्ट करेंगे बिकॉज क्यू के बाद वाले वर्ड्स ने ही बहुत ही यू नो बहुत सताया था, बहुत परेशान किया क्योंकि वो मिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे गाइस। तो मैं यहाँ पे क्यू से क्या खाने वाली हूँ, बहुत सोचा कुछ समझ में नहीं आया एंड कुछ मिल ही नहीं रहा था गाइस। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरे हस्बैंड गए थे मार्केट, तो वो मेरे लिए लेके आए हैं ये क्वेकर का ओट्स, CQUAKER क्वेकर ओट्स। एंड गाइज मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ बिकॉज मैंने आज तक मसाला ओट्स खाया है बट क्वेकर ओट्स कभी नहीं खाया। सो हम इसको बनाएंगे देन मैं इसी को अपना डिनर, इसी यही मेरा डिनर होगा गाइज बिकॉज एंड गाइज ओट्स मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है, मैं खा लेती हूँ मतलब। तो ये है क्वेकर ओट्स होम स्टाइल मसाला एंड कुक इन ओनली 3 मिनट्स। सो गाइज मैं इसको बनाती हूँ देन मैं इसको खाऊंगी। सो गाइज मेरे जो क्वेकर ओट्स थे वो मैंने बना लिए हैं, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिया है गाइज बिकॉज मेरा जो पेट है ना वो मुझे ज़्यादा मन नहीं कर रहा है खाने का। जो इसके बाद आने वाला है वो मुझे इसके एक या दो अल्फाबेट के बाद आएगा, वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है तो मैं उसे अच्छे से खाऊंगी। सो इसलिए मैं उसके लिए थोड़ी सी यू नो थोड़ा सा इतू सा कॉर्नर बचा के रख रही हूँ अपने टमी में जिससे कि मैं उसे खा सकूँ। फिलहाल मैं इसी को खाऊंगी, तो ये थोड़ा गर्म है। नॉट बैड, इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा गाइस, जो नॉर्मल मसाला ओट्स होते हैं उससे भी ज्यादा टेस्टी है ये। तो मैं आपको पूरा फिनिश करूंगी। सो गाइस मैंने ओट्स खा लिया है एंड ओट्स खाने के बाद मेरा पेट काफी फुल हो गया है, मतलब मेरा पेट भर गया है, मुझे अब ज़्यादा भूख नहीं है। बट अभी तक मैंने सिर्फ क्यू तक ही कंप्लीट किया है। गाइस क्यू से मैंने खाया था क्वेकर ओट्स, देन आर से मैं खाऊंगी यहाँ पे आर से मैं खाने वाली हूँ रेजिन्स। सी रेजिन इट मीन्स किशमिश। सो मैं इसको ज़्यादा नहीं खाऊंगी, बस एक या दो ही खाऊंगी। कंप्लीट। एस से मैं खाने वाली हूँ यहाँ पे सॉल्टेड पीनट्स। सो गाइज ये एक पीनट्स हैं जो कि सॉल्टेड, पूरी इसमें सॉल्ट होता है, तो मैं इसे खाऊंगी। खुल नहीं रहा, खुल गया, तो मैं इसी को लूंगी। सी ये है सॉल्टेड पीनट्स। देन टी से खाने वाले हैं अब हम यहाँ पे टेढ़े मेढ़े। सी टेढ़ा है पर मेरा है, तो अब मैं खाऊंगी यहाँ पे टेढ़े मेढ़े। सी टेढ़े मेढ़े ये मुझे अच्छा लगता, वो भी पेट फुल हो गया ना तो उससे ज़्यादा नहीं खा रही हूँ, तो मुझे अभी और भी तो खाना है ना,
यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. ओह माय गॉड अभी भी बहुत बचे हैं यार. नो नौ बजने वाला है यार. तो गाइज यू से कि हम क्या खाने वाले हैं. तो यू से गाइज मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी. गाइज क्यू ने एक्स क्यू एक्स एंड जेड जो दिमाग की हिलाई है ना बहुत घुमाया गाइज. तो यू से मैं बहुत ही गंदी चीज़ खाने वाली हूँ. मतलब पकने की बात अच्छी होती है क्योंकि मैं उसे रॉ लूँगी तो यू नो कच्चा लूँगी तो आई डोंट थिंक सो कैसा होगा. मैंने मैंने कभी भी कोई चीज़ रॉ नहीं पी या नहीं खाई है बिकॉज मुझे कच्ची चीज़ खाना बिल्कुल पसंद नहीं है एंड मैं नहीं खा सकती. तो गाइज मैं यहाँ पे खाने वाली हूँ ये उड़द की दाल यू से. तो मैं इसको बहुत ही इतूसा लूँगी. सी आप देख रहे हैं. वी से मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ विक्स. गला तो खराब नहीं है बेटा आपकी खिचखिच को दूर करे विक्स की गोली लें. विक्स की टॉफी मैं नॉर्मली भी खा लेती हूँ तो मुझे यू नो सही लग रही है. एंड उड़द की दाल के बाद तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लग रहा है. यू नो मुझे विक्स काफ़ी अच्छा लगने लगा है अब. और अल्फाबेट्स बचे हैं गाइस. तो W से मैं क्या खाने वाली हूँ. तो यहाँ पे मैं कुछ खाने नहीं वाली हूँ W से. वेट 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 मैं यहाँ पे पीने वाली हूँ W से जो कि हम सब पीते हैं एंड जो कि है ये वाटर. तो गाइस ये प्लेन वाटर है एंड W से मैं ये वाटर लूँगी. वाव बहुत ही अच्छा वाला फील आ रहा है बिकॉज अभी जस्ट उड़द की दाल ली थी देन विक्स लिया देन मैंने वाटर लिया है. तो बहुत ही अच्छी कूलिंग सेंसेशन होती है हमारी यहाँ पे जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है. डन गाइस अब हम खाने वाले हैं एक्स को. मतलब एक्स को नहीं खाने वाले हैं एक्स अल्फाबेट से हम कुछ खाने वाले हैं. एंड मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्स से कुछ मिलना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया था गाइस. बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी हमें कुछ एक्स से नहीं मिला. गाइस हमने गूगल में सर्च किया देन गूगल में जब मैंने एक्स अल्फाबेट से जो फूड आइटम सर्च किए तो गाइज उसमें मुझे दिखे ये मोमोज. सी आप देख रहे हैं गाइज कि ये है मोमोज. एंड इसमें गाइज इन्होंने लिखा हुआ है कि इसको विकिपीडिया में या किसी और लैंग्वेज में इसको बोलते हैं जियो लोंग बो. मतलब इसका जो नेम है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट सा बहुत अजीब सा है. तो उसका मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी यहाँ पे जिससे कि आपको ये ना लगे कि मैं कोई चीटिंग कर रही हूँ. तो गाइज उसका कुछ नेम ऐसा है लेकिन उसका जो स्टार्टिंग वर्ड है या अल्फाबेट है वो है एक्स. गाइज इन्हीं के लिए ही मैंने वो अपना ओट्स जो था वो थोड़ा कम लिया था अमाउंट में जिससे कि मैं इनको फिनिश कर सकूँ बिकॉज मोमोज मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है. इनके लिए ही मैंने अपने टमे में थोड़ी सी स्पेस बचा के रखी थी थोड़ी जगह. एंड ये मेरे फेवरेट जगह के मोमोज हैं तो मैं इसको पूरा फिनिश करूँगी बिकॉज मुझे इनके लिए तो मैं अगर मेरा पेट फुल भी हो तो भी मैं खा सकती हूँ. तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है सो मैं इनको खाऊँगी. वाह मेरे मुँह में पहले से पानी आ रहा है बिकॉज आई लव मोमोज सो मच. बहुत ज़्यादा टेस्टी है. इसमें सोच रही हूँ कि मैं ये वाला चैलेंज कर लूँ आई ओनली एट मोमोज फॉर 24 आवर्स. ये तो मैं इजीली कर लूँगी गाइस. इसमें तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा. मोमोज खाने के बाद एंड मोमोज मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है गाइस. मतलब चाइनीज़ एंड इटालियन इज़ माय फेवरेट डिश. चाइनीज़ तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है. कोई मुझे तीनों टाइम भी दे देगा तो मैं खा लूँगी चाइनीज़ बिकॉज आई लव चाइनीज़ एंड आई लव मोमोज. तो मोमोज तो मैंने खा लिए हैं गाइस. है वाई एंड वाई से मैं खाने वाली हूँ यहाँ पे योगर्ट. सी ये है योगर्ट.
बहुत ही ज़्यादा खट्टी है तो मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी ना। लास्ट यू नो लास्ट मेरा बचा है जो कि है जेड, एंड जेड से मैं क्या खाऊंगी जिसने मुझे बहुत परेशान किया गाइस। जेड से जुकीनी होता है, गूगल में हमने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी बट वो कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। मतलब बहुत सारी शॉप्स पे देखा, बहुत सारी यू नो वेजिटेबल्स में देखा, फूड्स में देखा, फ्रूट्स में देखा, बट कहीं पे भी जेड नहीं मिल रहा था, जुकीनी भी कहीं पे नहीं मिला। तो गाइस मैंने गूगल पे सर्च किया कि जो जलेबी होती है वैसे उसकी स्पेलिंग होती है जे, बट हम जलेबी को जेड से भी यू नो हम उसको लिख सकते हैं। तो जलेबी की स्पेलिंग दोनों करेक्ट ही होती है, जे ALEBI एंड ZALEBI, तो हम दोनों से उसको लिख सकते हैं गाइस। तो मैं यहाँ पे खाने वाली हूँ जलेबी, एंड अगर आपको यू नो मुझ पे ट्रस्ट नहीं है या मुझ पे बिलीव नहीं है तो मैं अभी उसका स्क्रीनशॉट यहाँ या यहाँ लगा दूंगी, यहाँ पे शेयर कर दूंगी, तो आप देख लेना कि गूगल में उसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया गया है। खुद ही देख लेना कि मैंने गूगल में सर्च किया था, देन मुझे पता चला कि मुझे भी आज तक नहीं पता था कि जलेबी को जेड से भी हम यू नो डिस्क्राइब कर सकते हैं या लिख सकते हैं, तो जेड से भी होता है। तो यहाँ पे मैं इसको जेड से ही मान रही हूँ एंड मैं यही खाऊंगी। तो मेरा पूरा चैलेंज तो कंप्लीट हो गया है, पेट बहुत ज़्यादा फुल हो गया है, देन मैं सिर्फ एक बाइट लूँगी। एंड मीठा तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, मुझे बहुत ही मीठी थी, वैसे तो जलेबी होती ही मीठी है। सो गाइस मैंने अपने सारे अल्फाबेट्स A to Z से मैंने सारे फूड्स खा लिए हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा फुल भी हो गई हूँ। मेरा सारा खाया हुआ यू नो यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ तक आ गया है। चैलेंज में बहुत ही ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया मुझे इस चैलेंज को करने में, इस चैलेंज को कंप्लीट करने में, एंड यू नो यहाँ से यहाँ भागा दौड़ी करने में, एंड डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स मैंने खाए यहाँ पे जो कि मैंने फर्स्ट टाइम खाए थे। कुछ कुछ मैक्सिमम तो मैंने सारे खाए हुए थे बट यू नो सम फूड्स ऐसे होते हैं ना जो हमने नहीं खाए होते हैं, जो हम फर्स्ट टाइम खाते हैं, तो वो भी मैंने खाए। एंड गाइस फूड चैलेंज करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि मुझे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के फूड्स, एंड मैं बहुत ही बड़ी फूडी हूँ, मैं बहुत बड़ी भुक्कड़ हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यू नो अच्छा अच्छा खाना एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का खाना। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये चैलेंज यू नो कंप्लीट करने में, एंड मेरा बहुत अच्छे से ही चैलेंज कंप्लीट भी हुआ। मैंने कोई चीटिंग नहीं करी, कोई भी मैंने रूल्स नहीं तोड़े या नहीं ब्रेक किए, पूरा चैलेंज अच्छे से A to Z मैंने सब कुछ खाया जो कि आपने देखा, एंड आप मुझे जज कर सकते हैं गाइस। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि थी आई ओनली एट अल्फाबेटिकल फूड्स फॉर 24 आवर्स, जो कि मैंने अपनी कंप्लीट कर लिया है। एंड मुझे एंड गाइस इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है, आई होप कि आप लोगों को भी मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो एंड आप लोगों ने इन्जॉय किया हो। एंड अगर आप लोग कुछ और चैलेंजेस देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे भी बहुत जल्दी कम्प्लीट करने की कोशिश करूँगी, एंड आप लोगों के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस लेके आऊँगी। सो गाइज यही थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक, आपको करना है इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड साइड में रेड कलर के बेल आइकन को भी आपको हिट करना है, जिससे क्या होगा कि हम जब भी अपनी न्यू वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, आप उससे बिल्कुल भी मिस नहीं हो पाएंगे। एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो गाइज मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।